फटेक। देखिए खबरें फटाफट डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चमोली जिले का जोशीमठ क्षेत्र दिन प्रतिदिन धसता जा रहा है। यहाँ भू धसाव और घरों में दरारें होने लगी हैं, जिसके बाद क्षेत्र के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं अब भू धसाव के सर्वेक्षण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा भू धसाव क्षेत्र का भू वैज्ञानिक और भू तकनीकी सर्वेक्षण किया गया। आपको बता दें कि बीते वर्ष 2021 में आई रैणी आपदा के बाद हिमालय में बसा एक खूबसूरत शहर जोशीमठ दिन प्रतिदिन भू धसाव की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर जोशीमठ नगर के साथ साथ जोशीमठ के अगल बगल के क्षेत्रों में भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। हर तरफ भू धसाव और मकानों में दरार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ऐसे में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जोशीमठ का जियोलॉजिकल सर्वे कराया गया है। वही आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य कार्याधिकारी पीयूष रौतेला ने कहा कि हमारी टीम ने आज मारवाड़ी विष्णुप्रयाग से अलकनंदा नदी के कटाव और भू धसाव वाला क्षेत्र देखा। उन्होंने बताया कि अलकनंदा नदी से काफी कटाव हो रहा है और नदी का जलस्तर भी काफी बड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां से काफी भू धसाव हो रहा है, साथ ही बताया कि पानी की निकासी भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, आसपास काफी दरारें भी हो चुकी हैं। विभिन्न जो केंद्रीय संस्थान हैं जैसे हैं उनके एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें जनरल सर्वे ऑफ इंडिया है, IIT रुड़की है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, और हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पता लगाना जरूरी है कि किन वजहों से प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद बात की जाएगी इस वजह से किस तरह से इनको सुरक्षित बनाने के लिए। वही जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 7 फरवरी को रैणी ग्लेशियर टूटने की आपदा के बाद जोशीमठ में लगातार भूस्खलन की घटना और ज्यादा बढ़ गई है, जो कि आने वाले समय के लिए खतरा साबित हो सकता है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार से समिति ने मांग की थी कि जोशीमठ का एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों के दल के द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाए और भू धसाव के कारणों का पता लगाते हुए उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। इलाका देखने के बाद हम ऊंचाई वाली सड़क में भी गए, वहां से हमने जो पूरा जोशीमठ का जो नीचे भूस्खलन हो रहा है, पूरा इलाका जो कम्ब से नीचे और सेमा की तरफ जो हो रहा है, उसका पूरा देखा विष्णुप्रयाग से लेकर के और पूरा मारवाड़ी पुल तक देख के आए। जोशीमठ का एक भविष्य, क्योंकि जोशीमठ रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरह की स्थिति है, वो इस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि लोग क्या अध्ययन करते हैं, उसके बाद क्या इसमें जो है रेमेडीज क्या इसमें होना चाहिए सुझाव। देखिए जोशीमठ से संबंधित वहाँ के संबंधित जिलाधिकारी की एक हमारे पास चिट्ठी आई थी, जिसमें उन्होंने वस्तु स्थिति से अवगत कराया था और कहा था कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो जमीन जो है वो नीचे की तरफ धस रही है। अच्छा। तो उन्होंने एक हमारे विभाग से एक टेक्निकल कमेटी की मांग की थी कि जो वहां पे जाए और एक बार उस पूरे एरिया का मुआयना करके एक रिपोर्ट सबमिट करे, फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि भाई उस पर क्या डिसीजन लेना है, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं या क्या उसकी आवश्यकता है करने की। वो रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे, उस रिपोर्ट का फिर एनालिसिस करने के बाद फर्दर देखा जाएगा कि उसमें क्या कार्रवाई की जानी है। हालांकि अब टीम ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और जल्दी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जोशीमठ से कमल नयन की रिपोर्ट।